When you took over, I wrote that day, plotting. I was kidding. ये तस्वीरें देश के लिए ऐतिहासिक हैं। जानते हैं क्यों? इन तस्वीरों ने देश की न्यायपालिका की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या है इन तस्वीरों का किस्सा और क्यों आज इन तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे हैं? आपके हर सवाल का जवाब दें, लेकिन उससे पहले देश के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस नूतलपट्टी वेंकट रमणा, जिन्हें हम NV रमणा के नाम से जानते हैं, उनका जिक्र जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि अब वो बतौर CJI रिटायर हुए हैं, तो ऐसे में उनके लिए गए फैसलों की चर्चा भी स्वाभाविक है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने अपने पद से विदाई ले ली है, तो फिर ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है। सवाल ये है कि वो कौन कौन से बड़े फैसले रहे जो उन्होंने अपने कार्यकाल में लिया, जो नजीर बन गए। 26 अगस्त को जब जस्टिस रमणा रिटायर्ड हुए, तो जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी लकीरें भी खींचने का काम किया। एक तरह से कहा जाए तो इंडियन जुडिशरी पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है, क्योंकि चीफ जस्टिस की विदाई की सबसे खास बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के आखिरी 2 दिनों में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। इतना ही नहीं, जस्टिस NV रमणा ने 5 हाई प्रोफाइल मामलों पर सुनवाई की है। जी हाँ, इससे पहले यानी गुरुवार को भी उन्होंने 4 बड़े मामलों पर सुनवाई की थी। तो कौन कौन से मामले रहे आएंगे पहले वो देखते हैं। इनमें पहला मामला ठंडे बस्ती में पड़े पेगासस का मामला रहा, दूसरा पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, तीसरा PMLA एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आई रिव्यू पिटीशन, और चौथा बिल्किस बानो का मामला। जी हाँ, ये वो 4 मामले हैं जिन पर मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अपने रिटायरमेंट वाले आखिरी दिन वो कौन से 5 बड़े फैसले लिए हैं। ये मामले हैं चुनावी मुफ्त योजना, 2007 गोरखपुर दंगा, कर्नाटक खनन मामला, राजस्थान माइनिंग लीज और दिवालिया कानून के तहत परिसमापन कार्रवाई पर विनिमय। अब जब जस्टिस NV रमणा की विदाई हो रही है, तो अगले न्यायाधीश कौन होंगे अब जरा ये भी जान लेते हैं। अब उनकी जगह जस्टिस UU ललित देश के अगले मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।